हाँ दोस्तों नमस्कार। आज हम लेकर आपके लिए आए कंजक्शन। कंजक्शन सिर्फ एक कंजक्शन, क्योंकि इतने सारे ढेर सारे कंजक्शन बता करके मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता। और अगर देखा जाए तो ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में कंजक्शन ही एक ऐसा पॉइंट होता है जब सबसे बृहद, बहुत विस्तारित होता है और बहुत बड़ा होता है। अब बीच बीच में कभी कभी एक ही कंजक्शन दो अर्थों में यूज होता है, ठीक, या कभी कभी कई अर्थों कंजक्शन के लिए अलग अलग आ जाते हैं, कभी कभी सेम आ जाते हैं। इसमें कंफ्यूजन न हो, आज हम सिर्फ आपको एक कंजक्शन लेकर चलेंगे और उसको यूज करना सिखाएंगे। और आप देखेंगे एक कंजक्शन आप पढ़कर कंफर्म कर लेंगे, वो कंजक्शन है बट। लेकिन कंजक्शन में जाने के पहले हम देखें कंजक्शन होता क्या है। कंजक्शन होता है ऐसे वर्ड, इंग्लिश में ऐसे वर्ड जो कभी कभी दो शब्दों को या दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ करके उसे सहज बनाने का काम करते हैं। अ वर्ड विच ज्वाइन टू वर्ड्स आर टू सेंटेंसेस टू फ्रेजेस टू क्लॉजेस विथ ईच अदर, दे आर कॉल्ड कंजक्शन। अब एग्जाम्पल सुनिए। अब एक एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा है, यहां ध्यान देना। रवि वेंट टू स्कूल, ओके, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा मैंने सोनू वेंट टू स्कूल, ध्यान देना, रवि वेंट टू स्कूल, सोनू वेंट टू स्कूल। इसी मैसेज को, इसी संदेश को आपको किसी तक पहुंचाना है, कहीं तक बोलना है, लिख करके या बोल करके। तो अगर अगर हम इसको दो बार में बोलेंगे तो टाइम लगेगा लिखने में, बोलने में, और आपका पेजेस जाएगा वेस्ट। इसलिए यहां पर हम कंजक्शन का यूज करें। अगर मैं यहां पर लिख दूं, देखो भैया ये वेंट टू स्कूल, वेंट टू स्कूल कॉमन है ना, आप मैच पढ़ें कॉमन आप लेते हुए काम यहां पर करेंगे। तो आप देखिए यहां दोनों अलग है, यहां पर लेंगे रवि एंड सोनू, रवि एंड सोनू वेंट टू स्कूल। ये आपका अभी एक सेंटेंस हो गया, जहां पर दो सेंटेंसेस थे दोनों को आपने आप ज्वाइन कर लिया, एक मिला लिया, किसके द्वारा, एंड के द्वारा। ये एंड आपका कंजक्शन है, संयोजक है जो दो वाक्यों को जोड़ रहा है। इसे फायदे क्या आपको हुए, फायदे ये हुए कि आज की आपाधापी की जिंदगी में, भाग दौड़ जिंदगी में आप इतने बड़े बड़े क्यों बोलेंगे। दो सेंटेंसेस को मिला करके, दो वर्ड्स को मिलाकर अगर आपस में छोटा कर लें तो लिखना पढ़ना बोलना समझना सब आसान हो जाता है, ठीक। तो यहां पर है एंड। अब ये कंजक्शन अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के होते हैं। एंड आपका यहां पे इसलिए क्योंकि दोनों वन वे थे, रवि स्कूल गया, सोनू स्कूल गया, दोनों द्वारा किया गया काम एक डायरेक्शन में है, एक ही प्रकार का है, इसलिए आपने एंड कर दिया। लेकिन आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो आपका है बट। बट का यूज करेंगे। बट का मतलब क्या होता है, बट आपको समझना पड़ेगा, यहां पर देखना पड़ेगा कि बट के कुछ अलग अलग मीनिंग यहां पे। अब बट के कौन कौन से अलग अलग मीनिंग हैं और कहां कहां पर इसका यूज करेंगे उसको एक बार हम देख लेते हैं। यहां देखिए पहला है आपका यहां पे बट। बट का मतलब किंतु, परंतु, लेकिन, पर। किंतु, परंतु, लेकिन, पर। आप ना, मैं वहां पर गया था किंतु वो मिला नहीं, मैंने आपको बुलाया परंतु आप आए नहीं, ठीक। मैं वहां गया था पर वह मिला नहीं। दूसरा है अलावा, के अलावा या सिवाय बोलते हैं, या के अलावा, ठीक। आपके अलावा सारे लोग वहां पर आए थे, ठीक। आपके सिवाय सारे लोग मुझे बुला रहे थे, सिवाय अलावा बोलते हैं आप कभी कभार, देखेंगे। और अगला है बल्कि, रेदर, ठीक। अब आइए देखते हैं कहां पर हम क्या लगाएंगे, कैसे लगाए, किस कंडीशन में। आप देखिए मेरे पास दो किताबें हैं पर ये पुरानी हैं, ध्यान देना। यहां पर बट का यूज आप तब करते हैं जब दो अपोजिट थॉट्स एक साथ लगाए जाएं, विरोधाभासी। माने मेरे पास किताबें हैं लेकिन वो काम की नहीं है, क्यों नहीं काम, क्योंकि पुरानी है। मेरे पास दो किताबें हैं पर वे पुरानी हैं।
अभी देखना, मेरे पास दो किताबें हैं, आई हैव टू बुक्स, पर किंतु, परंतु, लेकिन, बट पुरानी हैं, दे आर ओल्ड। आई हैव टू बुक्स बट दे आर ओल्ड, मेरे पास दो किताबें हैं। अब जहां मैंने पर लिखा है वहां किंतु हो सकता है, परंतु हो सकता है, लेकिन हो सकता है, ये पुरानी है, और सबकी जगह पर आप क्या लगाने वाले हैं बट। सेकंड देखेंगे, रतन एक अमीर आदमी है लेकिन वह मेरी मदद नहीं कर सकता है। अब ये कंजक्शन है, सेंटेंस पहले क्या रहा होगा, रतन एक अमीर आदमी है फुल स्टॉप, रतन मेरी हेल्प नहीं कर सकता है फुल स्टॉप, दो सेंटेंस। अब इसमें हम क्या करेंगे, रतन एक अमीर आदमी है, रतन इज ए वेल्दी पर्सन, रतन इज ए वेल्दी पर्सन, किंतु, लेकिन, परंतु, पर, बट वह मेरी मदद नहीं कर सकता है, ही कांट हेल्प मी, ही कांट हेल्प मी, वह मेरी मदद नहीं कर सकता, क्लियर ना। अब देखेंगे थर्ड में, मैं तुम्हें किताब के अलावा सब कुछ दे सकता हूं, मैं तुम्हें किताबों के अलावा सब कुछ दे सकता हूं, इसका मतलब अलावा, जब ध्यान दीजिए, अब अलावा वर्ड आने के बाद में बच्चों में कंफ्यूजन होता है यहां क्या करें, तो पहली बात इसकी मीनिंग क्या है, मैं तुम्हें किताब के अलावा सब दे सकता हूं, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं पर किताबें नहीं दे सकता, इसकी मीनिंग यही है, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं परंतु किताब नहीं दे सकता, किंतु किताब नहीं दे सकता, है ना मीनिंग। तो जब किंतु, परंतु, लेकिन यहां पर आ गया तो क्या करेंगे, आई कैन गिव यू एवरीथिंग, आई कैन गिव यू एवरीथिंग, सब कुछ दे सकता हूं बट नॉट द बुक्स, किताबें नहीं, मैं आपको सब कुछ दे सकता हूं पर किताबें नहीं। अब एक बात और देखिए, यहां पर आप बट की जगह पर एक्सेप्ट भी लगा सकते हैं, एक्सेप्ट, जैसे आई कैन गिव यू एवरीथिंग एक्सेप्ट द बुक्स, एक्सेप्ट द बुक्स, किताबों के अलावा, लेकिन जब एक्सेप्ट देंगे तो आपका ये नॉट यहां पर नहीं रहेगा। तो इस ऐसी कंडीशन में जब आप आएंगे, मैं तुम्हें किताबें के अलावा सबको दे सकता हूं, आपको छोड़कर हर कोई यहां पर आया था, ठीक, मैं मुंबई छोड़कर हर जगह गया हुआ था, ऐसे में को छोड़ करके अलावा, ऐसे में बट भी आप यूज कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं, बट थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी किताब में क्या है, मैं किताब तुम्हें किताब के अलावा सब कुछ दे सकता हूं, मीन्स आई कैन गिव यू एवरीथिंग बट नॉट बुक्स, किंतु किताबें नहीं, या आई कैन गिव यू एवरीथिंग एक्सेप्ट द बुक्स, किताबों के अलावा। इस प्रकार दोस्तों आप बट की कंजक्शन पूरा अपने आप में पूरा है, इस सब में है, आप इसका भरपूर उपयोग कीजिए, दो अपोजिट थॉट्स वाले, अपोजिट मीनिंग वाले दो अर्थ, दो शब्दों को, दो वाक्यांशों को, दो वाक्यों को आपस में जोड़ करके प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे ये आपके लिए बहुत ही काम की चीज होती है। अब जस्ट इसके बाद में आपको बट के बाद नेक्स्ट कंजक्शन लेके आ रहा हूं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, इट्स ओके, see you soon by the next video.